जहां एक तरफ बांग्लादेश अपने यहां पर हिंदुओं की रक्षा करने में असफल हो रहा है, भारत के लाख मिन्नतें करने के बाद और कई बड़े कदम उठाने के बाद भी अपने यहां पर हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार को रोक नहीं पा रहा है, तो अब दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश की दुखती नस पर हाथ रख दिया है, जिससे बांग्लादेश तिलमिला उठा है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि विश्व के वो सभी मुस्लिम देश बांग्लादेश के समर्थन में आ गए हैं जो भारत के विरोधी रहे हैं। अब बांग्लादेश को यह नहीं समझ में आ रहा कि भारत ने अगर ऐसा काम कर दिया तो हमारा क्या होगा। दरअसल बता दें कि भारत ने एक बहुत बड़ा और समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र चला दिया है बांग्लादेश के ऊपर, जिसके कारण बांग्लादेश बुरी तरीके से तिलमिला उठा है। दरअसल भारत ने बांग्लादेश से कई मिन्नतें की थी और कई छोटे बड़े कदम उठाए थे ताकि बांग्लादेश अपने यहाँ पर हो रहे हिंदुओं के प्रति अत्याचार को रोक पाए, लेकिन बांग्लादेश ये करने में असफल रहा। अब भारत ने यह फैसला ले लिया है कि बांग्लादेश के दुखती नस पर अगर हम हाथ नहीं रखेंगे तो बांग्लादेश अपने यहाँ से हिंदुओं का पूर्ण सफाया करके बांग्लादेश को एक मुस्लिम राष्ट्र बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम उन भाई बहनों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो बांग्लादेश में मारे गए हैं। बांग्लादेश के उन हिंदुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में दो शब्द जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल बांग्लादेश सदियों से भारत का समर्थित देश रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस, जिन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, वो अब भारत के खिलाफ और बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो लगातार बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति अत्याचार कर रहे हैं। बांग्लादेश को कई बार यह समझाया गया कि यदि आप अत्याचार नहीं रोकते हो तो बांग्लादेश को दो भागों में बंटने में समय नहीं लगेगा, जहां एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनेगा वहां दूसरी तरफ एक मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। लेकिन भारत ने अब बहुत ही सोच विचार करके एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, जिससे पूरे विश्व में भारत के ऊपर हमला करने का आरोप भी नहीं लगेगा और भारत बांग्लादेश को भूखों मार देगा। दरअसल भारत ने बांग्लादेश में जाने वाली हर एक प्रकार की सप्लाई को बंद कर दिया है। अब वो WTO के नियम को ताक पे रख दिया है। दरअसल भारत ने फैसला लिया है कि बांग्लादेश में अभी तक जो एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही थीं, जैसे दवाई हो गए, दूध हो गए, प्याज हो गया, गैस हो गया, इन सभी चीज़ों को बंद किया जाएगा। इसको बंद करने के दो बड़े कारण भी हैं और इसके बंद करने की वजह से बांग्लादेश तिलमिला उठा है। दरअसल बांग्लादेश में गैस की पूर्ण सप्लाई भारत के द्वारा की जाती है। भारत समुद्र के रास्ते से बांग्लादेश में गैस सप्लाई करता है, जिससे बांग्लादेश के अंदर गैस की आपूर्ति होती है। प्याज की आपूर्ति सिर्फ भारत से वो कर पाता है। यही नहीं, भारत से तो आटा, गेहूं, यहाँ तक कि चावल और मिर्च तक, मसालों तक की सप्लाई लेता था, जिसके कारण बांग्लादेश में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आ पाई। दरअसल बांग्लादेश का भारत से 4000 किलोमीटर का जो पूरा बॉर्डर का एरिया है, वहाँ से बांग्लादेश को बहुत आसानी से बस के थ्रू, ट्रक के थ्रू, यहाँ तक कि रेल और जहाज़ के थ्रू सामान पहुँचाए जा रहे थे। लेकिन अब भारत ने हर एक प्रकार के कंटेनर को रोक दिया है और बांग्लादेश को पूरी तरीके से एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, जिसके कारण बांग्लादेश तिलमिला उठा है। दरअसल भारत ने प्लान बना लिया था कि 21 तारीख को बांग्लादेश के ऊपर अटैक किया जाएगा, लेकिन पश्चिमी देशों ने जिस तरीके से समीकरण बिगाड़ रखा है, भारत कोई दूसरा युद्ध नहीं झेलना चाहता। आइए समझाते हैं कैसे। दरअसल जब से हमास का सबसे बड़ा नेता मारा गया है, तब से ईरान इसराइल के ऊपर हमले करने के लिए रशिया और चाइना से लगातार हथियार मंगा रहा है। जब उसके पास पूरा हथियार हो जाएगा तब वो इसराइल के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही वो इसराइल के ऊपर अटैक करेगा, फ्रांस और स्पेन और अमेरिका और इसराइल मिल करके ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। फिर एक तरीके से तृतीय विश्व युद्ध की घोषणा होने वाली है। इन्हीं सब चीज़ों को देख करके भारत बांग्लादेश के साथ युद्ध में नहीं उलझना चाह रहा, क्योंकि फिर पश्चिमी देशों को एक मौका मिल जाएगा भारत को पीछे खींचने के लिए। इसी सब कारणों की वजह से भारत ने बांग्लादेश के ऊपर अपने सभी प्रकार के एक्सपोर्ट को फिलहाल
बंद करने का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बांग्लादेश के जो हिंदू राष्ट्र के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश को एक हिंदू देश बनाना चाहते हैं। उन्होंने भारत से अपील की है कि आप बांग्लादेश के उन हिस्सों में अपना एक्सपोर्ट रोक दो जिन हिस्सों में मुस्लिम बाहुल्य लोग रह रहे हैं, और उन हिस्सों में आप अपनी सप्लाई जारी रखो जिन हिस्सों में हिंदू रह रहे हैं। ये सुनने के बाद भारत खुद एक बार कंफ्यूज हो गया। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या भारत को ऐसा करना चाहिए या नहीं। क्या भारत को मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में अपनी सप्लाई रोक करके हिंदू बाहुल क्षेत्रों में सप्लाई बढ़ानी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करें। दरअसल भारत ने उन लोगों को रिप्लाई देते हुए कहा है कि अभी तक आप हिंदू राष्ट्र बने नहीं हो, मतलब आप बांग्लादेश से एक अलग देश बने नहीं हो जिससे हम आपके यहाँ अलग सप्लाई कर पाएँ। अगर हम कोई भी सप्लाई करते हैं तो सीधा बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी के थ्रू ही जाएगा, तो वो डिसाइड करेंगे कि वो सामान कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है और कहाँ पर नहीं करना है। इसलिए भारत ने फिलहाल बांग्लादेश की पूरी सप्लाई रोक दी है। बांग्लादेश चाहता तो ये पूरी की पूरी सप्लाई चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, सुमात्रा और इंडोनेशिया से मंगा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ से वो सामान पहुँचने में वहाँ तकरीबन 20 दिन का समय लगेगा। और दूसरी बात ये है कि आप अचानक से सारा सामान किसी दूसरे देश से मंगाने लगो तो वो देश भी सप्लाई नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर बांग्लादेश आने वाले 24 घंटे में भारत को समर्पण नहीं देता है तो यकीन मानिए बांग्लादेश के लोग भूखे मरने वाले हैं। दरअसल बता दें कि जो शेख हसीना हैं वो बांग्लादेश में अब जाना चाह रही हैं और बांग्लादेश में चुनाव लड़ना चाह रही हैं। हालांकि भारत के दबाव में आकर के बांग्लादेश ने भारत की बहुत सारी बातें मान ली हैं, लेकिन वहाँ पर जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो बहुत बड़ी बात है। भारत ने दरअसल बांग्लादेश को बता दिया है कि यदि आप अगले 24 घंटे में अपने सभी काम को नहीं रोकते हो, मतलब कि जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, तो हम ये सप्लाई लंबे समय तक काट सकते हैं। बांग्लादेश ने हालांकि भारत को दबे मन से WTO में शिकायत करने की भी चेतावनी दे रखा है, लेकिन भारत ने कहा है कि भारत एक इंडिपेंडेंट देश है, वो WTO को नियम को तभी तक मानेगा जब तक कि उसका फ़ायदा होगा। अगर उसका ज़्यादा घाटा होगा तो WTO के नियम को ठीक उसी तरीके से नहीं मानेगा जिस तरीके से वो आज तक नहीं मानता आ रहा है। दरअसल बता दें कि भारत WTO के एम्बर बॉक्स के बॉक्सिफिकेशन को बहुत सही से नहीं मानता है, क्योंकि उसका मानना है ये बॉक्सिफिकेशन जिस तरीके से किया गया है वह बहुत ही पुराने मेथड पर किया गया है, नए मेथड और नए आंकड़ों के हिसाब से रीबॉक्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। मतलब कि साफ है भारत WTO की बात बहुत पहले से नहीं मान रहा, और ऐसे में यदि बांग्लादेश भारत की बात नहीं मानेगा तो बांग्लादेश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब मालदीव का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। भारत ने मालदीव को इस तरीके से अपने तरफ किया कि मालदीव अपने 28 द्वीप भारत को दे दिया, और चाइना के खेमे में जाने वाला मालदीव पूरी तरीके से भारत के खेमे में आ गया। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी सेम ऐसा ही हुआ। श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट था उसे भारत ने हालांकि ले ही लिया और चाइना के खेमे में पहुंच गया था। श्रीलंका पूरी तरीके से चाइना के खेमे में पहुंचा था, लेकिन अब वो भारत के खेमे में आ गया है। दरअसल चाइना ने अपने जहां भी कदम रखा, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, हर जगह तख्ता पलट हुआ है और तहस नहस हुआ है। लेकिन भारत जिन लोगों का हाथ थामा है वहाँ पर लोकतंत्र स्टैब्लिश हुआ है, वहाँ पर स्टेबिलिटी आई है और लोगों की आय बढ़ी है। इन्हीं सब कारणों की वजह से बांग्लादेश भी कहीं न कहीं ये समझता है कि यदि हम भारत का साथ छोड़ देंगे तो हमें आने वाले समय में कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश का 4000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो बहुत बड़ा है, और उसे बाईपास कर पाना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल काम है, लगभग नामुमकिन है। इन्हीं सब कारणों की वजह से आज बांग्लादेश के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या भारत बांग्लादेश के ऊपर फिलहाल अटैक न करने का जो फैसला लिया है वो सही है या गलत, क्योंकि ईरान की स्थिति बहुत बद से बदतर है। आने वाले समय में आपको दो चीज़ें सुनने को मिल सकती है, पहला ये कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, दूसरा ये कि ईरान ने
इसराइल पर अटैक कर दिया। और तीसरी खबर तो बहुत बुरी है जो कोई नहीं सुनना चाहेगा, वो ये है कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया।